हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, ट्रैफिक पुलिस को नमूना नंबर प्लेट न रखने वालों के चालान से रोक दिया। अदालत का आईजी को नया नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। नई नंबर प्लेट्स का असर न होने पर अवामी मुश्किलात के पेश नजर वज़ीर आला को भी सूरत हाल से आगाह करने का हुक्म। एक्साइज हुकाम का 17 लाख नंबर प्लेट्स और 30,000 स्मार्ट कार्ड के ज़ेर इल्तवा होने का एतराफ़, समाप्त 13 फरवरी तक मुलतवी। लाहौरी कातिलों डकैतों रहजनों चोरों के हवाले, अवाम की मुहाफिज पंजाब पुलिस गफलत की नींद सो गई। मनावा में फैक्ट्री पर डाकों का धावा, अमले को यगमाल बनाकर तिजोरी से 1,10,00,000 का कैश ले उड़े। बादामी बाग में नकबजनों की मोबाइल फोन शॉप पर वारदात, दुकान की छत उखेर कर 3 लाख नकदी, 4 लाख के मोबाइल फोन लेकर फरार। गुजरपुरा में चोर इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम से लाखों मालिक के मोबाइल फोन ले उड़े। टाउनशिप में मुजाहमत पर नौजवान जख्मी हो गया। मॉडल टाउन में डाकू 10 लाख रुपए लूटकर फरार। सब्जाजार से चोर शहरी काजिम की मोटरसाइकिल ले गए। लाहौर में पोश इलाकों से लेकर आम आबादियों तक लूटमार और बेअमनी। 2020 के पहले माह 6,000 से ज्यादा मुकदमा, 28 कत्ल की वारदातें, 333 डकैती चोरी। साबिक हुकूमत में अजब करप्शन की मजीद गजब दास्तानें। गैर मुल्की फंडिंग से चलने वाले 21 मंसूबों में 2 अरब की बदउनवानी का इंकशाफ। मंसूबों में महंगे ठेके, बिला जरूरत लॉन्ग रूट्स, इनकम टैक्स की अदम वसूली से खजाने को नुकसान पहुंचाने और तरक्याती फंड के गलत इस्तेमाल का इल्जाम। करप्शन का निशाना बनने वाले मंसूबों में ऑरेंज लाइन, आपाशी एनर्जी और सियाहत की स्कीमें शामिल। 2018-19 की ऑडिट रिपोर्ट ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। लाहौर पोलियो हाई रिस्क जोन में सबसे आगे। वायरस से गैर मामूली मुतासर 9 जोन में 3,600 नए वर्कर्स की भर्ती। सूबाई दारुल हुकूमत में सबसे ज्यादा 731 पोलियो वर्कर्स भर्ती किए जाएंगे। हुकूमत पंजाब ने नए वर्कर्स के लिए 78 करोड़ रुपए के फंड मंजूर कर दिए। शेख जैद अस्पताल का लिवर ट्रांसप्लांट मौत बांटने लगा है। माँ को जिगर देने वाला लगते जिगर जिंदगी की बाजी हार गया। वालिदा सरबत सुल्ताना की हालत भी ना संभल सकी। दूसरे ट्रांसप्लांट की मरीजा नसीम बीबी भी जिंदगी की बाजी हार गई। 2 मरीजों और 1 डोनर की मौत पर पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी इन एक्शन। शेख जैद अस्पताल का लिवर ट्रांसप्लांट सेंटर संगीन गफलत पर बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस की संगीन होती सूरत हाल। लाहौर समेत मुल्क भर के तमाम एयरपोर्ट से चीन के लिए फ्लाइट ऑपरेशन 2 फरवरी तक मुअत्तल। चाइना एयरलाइन को भी आगाह कर दिया गया। चीन में फंसे पाकिस्तानी तलबा को खुराक की अदम फरामी के खिलाफ पंजाब असेंबली में करारदाद जमा। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। वासा भी अलर्ट और शहरियों को फरामी आग के लिए क्लोरिन की मुनासिब मकदार यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी कोटे पर आटा चक्की मालिकान 2 धड़ों में तकसीम। सस्ती सरकारी गंदुम लेकर भी 45 रुपए किलो आटा फरोख करने पर तहफुजात। सरकारी गोदामों से गंदुम लाने में लोडिंग अनलोडिंग और किरायेदारी के अखराजात का नया गजिया छेड़ दिया। फ्लेमिंग रोड और ग्वाल मंडी के चक्की मालिकान तहाल हड़ताल पर। वज़ीर आज़म का छोटे ताजरों को रिलीफ देने का ऐलान। महकमा बल्दियात का फौरी छोटे कारोबार के लिए लाइसेंस फीस में कमी का फैसला। फीस पर नजरसानी के लिए आला सतह कमेटी तश्कील। कमेटी में ताजर तंजीमों के 2 नुमाइंदे भी शामिल किए जाएंगे। ना के एलपीजी सिलेंडरों की फरोख्त के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। फायर सेफ्टी ट्रेनिंग का हिस्सा ना बनने वाली 900 दुकानें सील की जाएंगी। ट्रेनिंग का हिस्सा बनने वाले 400 दुकानदारों को सर्टिफिकेट्स जारी। जिला इंतजामिया ने 15 नुकाती SOPs भी मुतारिफ करा दिया। अवामी पासवान तहरीक का फिरोजपुर रोड पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन के हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ नारे। मजीद गौरी का इतवार को हुक्मरानों और अपोजिशन के गठजोड़ के खिलाफ वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज करने का ऐलान। बच्चों से जिनसी ज्यादती के बढ़ते वाकियात। समाजी तंजीम ख्याल नौ का लिबर्टी चौक पर एहतजाजी मुजाहरा। शुरका का कहना था कि किसी भी मजहब में बच्चों के साथ ज्यादती की कतई कोई गुंजाइश नहीं। मुजाहरे में खवातीन मर्द और बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नन्हे फूल और नन्ही गलियां बाहों में भरने के लिए है, रास्तों पर लावारिस छोड़ जाने के लिए नहीं।
बुजुर्ग खातून 16 यौम की नामुलद बच्ची को जिनर अस्पताल में बेआसरा छोड़कर फरार। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने नन्ही कली को निगहदाश्त के लिए तहवील में ले लिया। मॉडल बाजार टाउनशिप इंतजामिया का अनोखा इकदाम, दफ्तर में ही अदालत लगा ली। मॉडल बाजार इंतजामिया का शहरी पर तशद्दुद, शहरी की मैनेजर और स्टाफ से रहम के लिए दुहाई। सिक्योरिटी गार्ड बल्ले डंडों और जूतों से शहरी पर तशद्दुद करते रहे। वाकई की फोटो सिटी 42 को मौसूल मैनेजर मॉडल बाजार टाउनशिप उस्मान बदर भी मौके पर मौजूद रहे। थाना डिफेंस भी पुलिस का मतलब मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापा। डेरे पर मौजूद मुसल्ला अफराद ने पुलिस को ही अगवा कर दिया। मुसल्ला अफराद का पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, एहलकारों पर हमले का मुकदमा थाना जनूबी कैंट में दर्ज। एहतसाब अदालत में अहम मुकदमात की समाअत। आमदन से जायद असासा केस में मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज की पेशी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, लीगी काकुन भी मौजूद रहे। चौधरी शुगर मिल्स केस में यूसुफ अब्बास के रिमांड में 14 फरवरी तक तौसी। मरियम नवाज और नवाज शरीफ को हाजिरी से सजा। आशियाना केस की समाअत के लिए शहबाज शरीफ भी रुख सफर। साबिक वजीर आला के पेश न होने पर अदालत का इजहार बरहम। एहतसाब अदालत के बाहर मतवाले और पुलिस एहलकार आमने सामने। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की वापसी पर धक्कम दे, पुलिस अफसर ने लीगी कारकुनान को थप्पड़ जड़ दिया। लीगी रहनुमाओं की जानिब से कारकुन पर पुलिस तशद्दुद की मजम्मत। कारकुन जावेद मेयों के साथ इशारे शिकचर थी। मियां नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर पंजाब हुकूमत का अदम एतमाद। साबिक वजीर आजम की मजीद रिपोर्ट्स पंजाब हुकूमत को भिजवा दी गई। कायद मुस्लिम लीग नून के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने हुकूमत को रिपोर्ट इरसाल कर दी। इक्कीस साल मुकदमा चला, खलासी हुई ना इंसाफ मिला, अलबत्ता साली जिंदगी की बासी हार गया। वर्षा की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने अहले खाना को फरीक बनने की इजाजत दे दी। समाअत 3 फरवरी तक मुलतवी। मकान कब्जा के खिलाफ केस में फरीकैन के वकला बहस के लिए तलब। चौधरी परवेज इलाही को हुकूमत की नई मुजाकराती कमेटी पर तहफुजात। कहते हैं पहली कमेटी से मुजाकरात में मामला बेहतर होना शुरू हो गए थे, अब नई कमेटी सामने आ गई जिसकी समझ नहीं आ रही। CPNE के वफद से गुफ्तगू में कहा इत्तेहादी को सौतन ना समझा जाए, चाहते हैं हमसे किए वादे पूरे हों और हुकूमत अपनी मुद्दत भी पूरी करे। बोले एक कमेटी बनती है और दूसरी डाली जाती है, हमने भी एक कमेटी डाली है जो अभी नहीं निकली। वज़ीरा और अफसर अपनी तवानाई सूबे के आवाम की बेहतरी पर सर्व करें। वज़ीरे आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं मिनिस्टर्स बाइख्तियार हैं, आवाम को डिलीवर करें। बोले सर्विस डिलीवरी के लिए सियासी इंतजामी टीम को बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। लाहौर जिमखाना के इंतखाबात के लिए इलेक्शन मुहिम गुलबर्ग में मियां मिसबाह रहमान पैनल की जानिब से हाई टी का एहतमाम किया गया। साबिक चीफ सेक्रेटरी सलमान सदर के सिद्दीक कहते हैं हमारे साथ बहुत अच्छे लोग हैं। मियां मिसबाह रहमान ने अपना ज्यादा वक्त जिमखाना को कर दिया। तकरीब में तैमूर अजमत, आसिफ नवाज वड़ाइज, डॉक्टर जवाद साजिद, प्रोफेसर अब्दुल मजीद चौधरी, डॉक्टर अली रजाक समेत दीगर भी शिरकत। लाहौर हाईकोर्ट पार्क के सालाना इंतखाबात बराए 2020 उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म। 4 औहदों के लिए 16 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। सदारती उम्मीदवार के लिए चौधरी ताहिर नसरुल्ला, मकसूद बुटर और चौधरी वलायत ने कागजात जमा करवाए। इटली की मारूफ यूनिवर्सिटियों के वफूद का पंजाब यूनिवर्सिटी का दौरा। वफूद की वाइस चांसलर PU प्रोफेसर नियाज अहमद से मुलाकात। पंजाब यूनिवर्सिटी और इटली की यूनिवर्सिटियों के साथ तालीमी तआवुन पर आमादगी का इजहार। शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, मतवस्त तबके के लिए छोटे बजट में बड़े फीचर्स के हामिल गाड़ी तैयार। रीगल ऑटो इंडस्ट्रीज ने 800 CC प्रिंस पर्ल का लॉन्च कर दी। रंगारंग और दिलकश तकरीब में गवर्नर चौधरी सरवर की खसूसी शिरकत। प्रिंस पर्ल का पावर स्टेरिंग, ऑटो विंडो, सेंट्रल लॉकिंग,
टच स्क्रीन और दिगर खसूसियात की हामिल है। जदीद फीचर्स की हामिल कार की तारुफी कीमत 10,49,000 रुपए मुतय्यन की गई। लाहौरियों की सहूलत के लिए एक और अच्छा इकदाम, जौहर टाउन में बेहतरीन बल्ला लो एप्लीकेशन की लॉन्चिंग तकरीब। ऐप के जरिए कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर समेत 12 सर्विसेज घर बैठे ही हासिल की जा सकती है। 2000 से ज्यादा वर्कर्स नादरा और पुलिस की वेरिफिकेशन के बाद भी सकते। अलहमदा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में जगजहती कश्मीर पर स्टेज ड्रामा म्यूजिकल प्रोग्राम, पीटीए रहनुमा सादिया सुहेल की खसूसी शिरकत। तलबा ने कश्मीरियों पर भारतीय फौज के मजालिम पर खाका पेश किया। जगजहती कश्मीर शो में गुलूकार फारूक शाद ने मिली नखमे सुनाकर खूब समा बांधा। और बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए कौमी टीम की तश्कील, हेड कोच चीफ सेलेक्टर मिसबाह उल हक टीम का ऐलान करेंगे। अजहर अली कौमी टीम के कप्तान होंगे। आबिद अली, अरशद शफीक, बाबर आजम, फवाद आलम, हारिस सुहेल, इमामुल हक टीम में शामिल। फहीम अशरफ और बिलाल आसिफ के नाम टीम में शमूलियत के लिए जेर हौज़।